क्या तय हो गई है राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तारीख? क्या अगले महीने होने वाली है राहुल गांधी की ताजपोशी? ये तो तय है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के हाथों में ही पार्टी कमान होगी, लेकिन ऐसा कब होगा? ये सवाल पिछले कई सालों से फिजा में तैर रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक राहुल की ताजपोशी अब नहीं रुकेगी और अगले ही महीने राहुल गांधी के तौर पर कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 31 अक्टूबर तक कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। दरअसल पार्टी को 31 अक्टूबर तक संगठन का चुनाव संपन्न कराना है। यही वजह है कि पार्टी में चुनावी प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई है। हालांकि पार्टी में राहुल गांधी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़कर ही अध्यक्ष बनना पसंद करेंगे, इसीलिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। खबर के मुताबिक 15 अक्टूबर के आसपास अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा और अगर किसी ने राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा दाखिल नहीं किया तो नामांकन की आखिरी तारीख के बाद उन्हें पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि पारदर्शिता दिखाने के लिए राहुल के मुकाबले में किसी दूसरे उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा जा सकता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को बतौर पार्टी अध्यक्ष पूरा समय देना चाहती है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से पूरी पार्टी जोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुट जाएगी। जाहिर है राहुल गांधी की ताजपोशी होना अब करीब करीब तय है, लेकिन पार्टी की कमान संभालने के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौती खुद को नेता के तौर पर साबित करने और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता दिलाने की होगी। ऐसे में राहुल गांधी इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।